दोस्तों, मेरा मिशन है जिंदगी को आसान बनाना। कम समय में ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम कैसे करें, यह आपको बताना। इसी कड़ी में आज मैं लेकर आई हूँ कुछ ऐसे किचन टिप्स जो यकीनन आपके काम आएंगे। नमस्कार, स्मार्ट टिप्स विद ज्योति में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। अक्सर हम सलाद बनाने के लिए कैबेज को इस तरह काटते हैं, लेकिन ऐसे काटने से कैबेज मोटी मोटी कटती है, एकदम बारीक कट नहीं हो सकती। तो इसके लिए आप लीजिए पीलर और पीलर से कैबेज को कट कर ले। आप देख रहे हैं कि पीलर से कैबेज बिल्कुल पतली पतली और लंबी लंबी कट हो रही है। जब भी हम बाहर चाइनीज आदि खाते हैं तो उसमें कैबेज इसी तरह की बारीक बारीक लंबी लंबी कटी हुई रहती है। यदि आपको कैबेज पाव भाजी आदि के लिए बारीक कटी हुई होना, तो आप कैबेज को ऐसी चिप्स वाली किसनी से भी कद्दूकस कर सकते हैं। कभी कभी जब हम जौरी की रोटी बनाते हैं तो वो किनारे से फट जाती है। ऐसा तब होता है जब जौरी का आटा ज्यादा जूना हो जाए। जूने जौरी के आटे की रोटी भी अच्छी बने, इसके लिए जौरी का आटा गुनगुने पानी से गूंथे। ध्यान दे कि जौरी का आटा ज्यादा जूना होने पर ही उसे गर्म पानी से गूंथे, क्योंकि यदि हम ताजे ज्वारी के आटे को गर्म पानी से गूंथेंगे तो आटे में ज्यादा चिकनाहट आने से रोटी बराबर नहीं बन पाएगी। ठंडी के दिनों में ज्यादातर घरों में बाजरे की रोटी बनती है, लेकिन यदि बाजरे का आटा ज्यादा जूना हो गया तो वह थोड़ा कड़वा हो जाता है, उसका टेस्ट बदल जाता है। ऐसा न हो इसके लिए थोड़ा सा आटा बाहर रखकर ज्यादा का आटा फ्रिज में रखें। बाजरे के आटे को फ्रिज में रखने से उसका टेस्ट एज इट इज रहता है। करेले की सब्जी कड़वी न लगे, इसके लिए करेले काटने के बाद उसमें थोड़ा सा नमक डालकर मिक्स करके ढककर थोड़ी देर रहने दीजिए। थोड़ी देर बाद करेले को निचोड़ लीजिए। नमक के पानी से करेले का कड़वापन कम होगा। करेले के छोकन में थोड़ी ज्यादा मात्रा में पीसी सौंफ डालें, फिर प्याज डालें। सौंफ और प्याज के छोकन से भी करेले की सब्जी का कड़वापन कम होता है। मूंग जल्दी खराब न हो इसके लिए यदि आपके यहाँ धूप आती हो तो मूंग को एक दिन धूप दिखा दें, फिर हाथ पर थोड़ा सा सरसों तेल लेकर पूरे मूंग पर लगा दीजिए। अब मूंग ज्यादा दिनों तक अच्छे रहेंगे। जब भी हम कोई भी कोल्ड ड्रिंक स्ट्रॉ से पीते हैं तो कंटेनर के कॉर्नर में थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक बाकी रह जाता है। कंटेनर में का पूरा कोल्ड ड्रिंक हम इजीली पी सके, इसके लिए स्ट्रॉ को उल्टा करके ये तिरछे वाला भाग कंटेनर में डालें। इस तिरछे वाले पोर्शन से कंटेनर के कॉर्नर में का पूरा कोल्ड ड्रिंक हम इजीली पी सकेंगे। मैं आपको कंटेनर को काट कर दिखाती हूँ। आप देख रहे हैं कि कॉर्नर में भी स्ट्रॉ का तिरछा पोर्शन इजीली पहुंच रहा है। कंटेनर्स पर लेबल लगाने से हमारा काम बहुत इजी हो जाता है, लेकिन कई बार हमारे पास इस तरह के लेबल नहीं रहते, तो ऐसे में आप इस तरह की पेपर टेप का यूज कर सकते हैं। पेपर टेप को कंटेनर पर लगा दें, फिर उस पर पेन से लिख दें। बाद में यदि आपको ये स्टिकर निकालना भी है तो यह इजीली निकल जाता है और कंटेनर पर इसके निशान भी नहीं रहते। जब भी आपको मूंगफली का पाउडर बनाना हो तो मिक्सी को रुक रुक कर चलाएं, लगातार न चलाएं। लगातार मिक्सी चलाने से मूंगफली तेल छोड़ देती है। कई बार जब छोटे बच्चे रोते हैं तो हमारी समझ में ही नहीं आता कि वे क्यों रो रहे हैं। जब हम मार्केट से कपड़े खरीदते हैं तो उसका प्राइस टैग तो निकाल लेते हैं, लेकिन अक्सर ये वाला लेबल नहीं काटते। कभी कभी ये वाला लेबल हार्ड होने से वो बच्चे को चुभता है और बच्चा रोता है। इसलिए यदि लेबल हार्ड है तो इसे कट कर लीजिए। लेबल का जो ये बचा हुआ पार्ट है उसकी सिलाई खोलकर लेबल को निकालकर फिर से सिलाई कर ले। अब आपके बच्चे को कुछ भी नहीं चुभेगा और बच्चा नहीं रोएगा। हम घर को कितना भी क्लीन रखने की कोशिश करें, लेकिन मकड़ी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। मकड़ियां बार बार जाले बना लेती है। इसके लिए आप लीजिए स्प्रे वाली एक बोतल।
उसमें थोड़ा सा विनेगर भरे। अब जाला झाड़ू पर विनेगर को स्प्रे करें, फिर जाले निकाले। विनेगर मकड़ियों के लिए जहर का काम करता है, वहां पर मकड़ियां जल्दी जाला नहीं बनाएगी। 7-8 दिनों बाद फिर से विनेगर वाले स्प्रे से जाले निकाले। घर से मकड़ियां रफु चक्कर होने में देर नहीं लगेगी। दोस्तों, इन टिप्स में से कौन सी टिप आपको ज्यादा पसंद आई या कौन सी टिप आपको पहले से पता थी, कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।